लिबरलिज्म के बारे में कुछ तो पता होगा, क्या है लिबरलिज्म, कुछ पता है लिबरलिज्म के बारे में, व्हाट इज लिबरलिज्म? बिल्कुल आइडिया हर्ष, नाइस। देखो असल में लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे जब हम आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे ना, थिंकर खत्म करने के बाद वी विल कम टू आइडियोलॉजीज, वहां जो सबसे पहला आइडियोलॉजी दैट वी विल स्टडी दैट इज लिबरलिज्म। ओके, आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? दुनिया को देखने का एक तरीका, हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड। एंड लुक एट द वर्ल्ड का मतलब, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, हाउ वी लुक एट रोल ऑफ द स्टेट, रोल ऑफ द इंडिविजुअल, रोल ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, राइट्स, इक्वालिटी। सो अलोंग ऑल दीज वैल्यूज हाउ वी आर लुकिंग एट, दैट इज कॉल्ड एज आइडियोलॉजी। ओके, सो जब आप देख रहे हो लिबरलिज्म, लिबरलिज्म में की टर्म क्या है? लिबरल, राइट राइट। लिबरल का मतलब क्या होता है? और लिबरलिज्म का हिंदी मीनिंग ढूंढ ले यार, उदारवाद होगा जहां तक मुझे याद, थोड़ा बहुत आई कैन गेस इट, मेरी हिंदी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है, उदारवाद होगा पक्का, देख लेना, ठीक है। सो लिबरलिज्म हैज कम फ्रॉम द वर्ड लिबरल। लिबरल का मतलब आपने देखा हिंदी में क्या है? उदार। उदार मतलब whom we can call as liberal, आप तो बहुत सुनते होगे ना न्यूज में, who is a liberal, ना people are liberal but among those people who is liberal, कौन होता है liberal, उसके दो चार characteristics बताओ। लिबरल हम उस इंसान को कहते हैं जो बाकी लोगों के थॉट्स को सुने, एक्सेप्ट करे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टक ना रहे। देयर कैन बी डिफरेंट आइडियाज, देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट, दैट इज जनरली कॉल्ड एज लिबरल। तो यहां जो आइडियोलॉजी है ये उस इंडिविजुअल या उस लिबरल की बात नहीं कर रहा है, यहां जो लिबरल है ना ये है समथिंग विच लिबरेट्स अ मैन, एन आइडियोलॉजी। एक मिनट, ये डेफिनेशन मत लिख लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं, इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। ओके, एन आइडियोलॉजी विच लिबरेट्स अ मैन इज लिबरलिज्म। लिबरेट का मतलब पता है? मुक्त करना। So the question is, if we are talking about liberating a man, was man not liberated? What were the chains that were holding a man? इंसान को किस चीज ने पकड़ के जकड़ के रखा? हाँ, एक मिनट, ठीक है ठीक है। यू सी लिबरलिज्म, इसका जो की टर्म है दैट इज लिबरल। नॉर्मली लिबरल वी टर्म्स वी रिलेट इट विथ सोसाइटीज, वैसी सोसाइटीज जहां की लोगों के पास ज्यादा आजादी है, ज्यादा फ्रीडम है। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट फ्रांस और यूएसए और इनफैक्ट इंडिया इज अ लिबरल सोसाइटी, बिकॉज कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन किधर घूम रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसके ऊपर किसी तरीके का रोक टोक नहीं। तो सच सोसाइटीज आर कॉल्ड एज लिबरल सोसाइटी। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन यू लुक एट अफगानिस्तान एंड ईरान और अ पाकिस्तान,
इनफैक्ट वेस्ट एशिया वहां क्या है, अगर औरतें हैं उन्हें बुरके में रहना है, लड़कियां कॉलेज नहीं जा सकती हैं, ठीक है, कपड़े पहनने हैं स्पेसिफिक तरीके का कपड़ा पहनना है, अगर दूसरे धर्म के लोग हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मतलब तकलीफ दी जाती है सोसाइटी में, तो क्या उस जगह पे सोसाइटी खुली हुई है, सोसाइटी लिबरेटेड है? कंजर्वेटिव, यस। सो लिबरल का ऑपोजिट हो गया आपका कंजर्वेटिव, ठीक है। सो नाउ सिंस वी टॉक्ड अबाउट कंजर्वेटिव, इट मींस व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन कंजर्वेटिव सोसाइटीज, तो हमने देखा कंजर्वेटिव सोसाइटीज में पर्सन वॉज नॉट फ्री, राइट, क्योंकि वहां फीमेल के लिए एक ड्रेस कोड है, मेल के लिए एक ड्रेस कोड है, एजुकेशन लेने की आपके पास फ्रीडम नहीं है, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की आपके पास फ्रीडम नहीं है, इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, तो सच सोसाइटीज आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव सोसाइटीज। तो हमने देख रखा था कि इन दोज दीज कंजर्वेटिव सोसाइटीज इट इज मेनली रिलीजन और कल्चर और सोसाइटी। इसने क्या कर रखा था, इसने मैन के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे, राइट, रिलीजन ने एक मिनट, मैन का मतलब मैन या वुमन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी पॉलिटिकल साइंस में ना ट्रेडिशनली हमेशा मैन ही कहा जाता है, आप ह्यूमन बोल लो, क्योंकि हर जगह चूंकि मैन है ना, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, दैट डज नॉट मीन ओनली मैन, मैन प्लस वुमन, बट सिंस एरिस्टोटल एट दैट टाइम इट वाज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी और सारा फोकस मैन के ऊपर ही था, इसलिए आप हर जगह देखोगे ना कि मैन ही टर्म यूज हुआ है, बट मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो वी सॉ दैट मैन वॉज नॉट फ्री एंड थोड़ा सा मैं पहले मैं लिबरलिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले, क्योंकि ही इज फादर ऑफ लिबरलिज्म, सो मैं थोड़ा सा बस लिबरलिज्म एंड देन वी विल गो ऑन टू सी दैट हाउ इन ऑल द आइडियाज ऑफ जॉन लॉक वी डू फाइंड ओरिजिन ऑफ वैल्यूज ऑफ लिबरलिज्म, सो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। हालांकि जॉन लॉक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आइडिया ऑफ राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है जॉन लॉक, कि राइट्स का कंसेप्ट कहां से आया, क्योंकि हॉब्स तक आपने देख लिया, हॉब्स ने कोई राइट दिया था इंडिविजुअल को, सिर्फ राइट टू, उसके अलावा कोई राइट नहीं था, लॉक ने दे रखा, तो इसीलिए एंड दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग लिबरलिज्म। सो वी सॉ दैट इन कंजर्वेटिव सोसाइटीज मैन इज चेन्ड और मैन बाई बाउंड बाई ऑल दीज रिस्ट्रिक्शन, सो इन द सोसाइटीज वेयर मैन इज फ्री, वेयर मैन इज नॉट बाउंड बाई ऑल दीज रिस्ट्रिक्शन, दोज सोसाइटीज आर कॉल्ड एज लिबरल सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम यूएसए देखते हैं, यूरोप देखते हैं, इनफैक्ट इनकेस ऑफ इंडिया ऑल्सो, सो दीज सोसाइटीज आर लिबरल सोसाइटी, और उस सोसाइटी को और उस सोसाइटी के वैल्यूज को जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करता है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म, ठीक है। देखो हाँ, लिबरल, देखो लिबरल क्या होता है ना, कि लिबरल वी कैन टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई इंसान अगर अपने थॉट प्रोसेस में देखता है कि ठीक है जिसको जो पहनना है पहनने दो, जिसको जो खाना है खाने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, इन थॉट प्रोसेस दैट पर्सन इज लिबरल, इफ अ सोसाइटी हैज सच अ नेचर दैट सोसाइटी इज लिबरल, ओके। सो ये आपका हो गया लिबरलिज्म, कि पहले इंसान के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, आप याद करो इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे, वेदर वी वर रीडिंग अबाउट एरिस्टोटल और वी वर रीडिंग अबाउट प्लेटो
या डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग की बात कर रहे थे। मैकियावेली के टाइम पर जब चर्च उतना स्ट्रांग था तो अल्टीमेटली सोसाइटी में रिलीजन का रोल स्ट्रांग रहेगा, तो वो रिलीजन क्या करेगा, इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा। हमारे सोसाइटी में ही देख लो, पहले जब सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज था ना, इट मींस एट दैट टाइम सोसाइटी वॉज कंजर्वेटिव, पर्सन वॉज नॉट फ्री, बिकॉज पर्सन वॉज की अगर इफ योर हस्बैंड हैज डाइड यू हैव टू गेट इमोलेटेड, साथ में आपको जलना पड़ेगा। आज देखिए, शादी करनी है नहीं करनी है मेरी मर्जी, अगर हस्बैंड मर भी गया कोई बात नहीं, आई वॉन्ट टू डू अ जॉब, इफ अ लेडी वॉन्ट्स टू डू अ जॉब शी इज फ्री टू डू अ जॉब, शी इज फ्री टू रोम अराउंड। अफगानिस्तान में देखिए, कोई भी लेडी अपने साथ एक जेंट्स अगर उसके साथ नहीं है तो वो नहीं घूम फिर सकती, क्यों, क्योंकि उनका रिलीजन ऐसा। हाँ, तो रिलीजन ने इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जब वो सारे का सारा रिस्ट्रिक्शन आपका हट गया तो दैट सोसाइटी इज लिबरल सोसाइटी, ठीक है ना। और लिबरलिज्म का मतलब क्या है, जब सोसाइटी ने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए तो नेचुरल हो गया कि जो फोकस आ गया, द फोकस गोज टू द इंडिविजुअल, बिकॉज प्रीवियसली इट वॉज द सोसाइटी विच वॉज स्ट्रॉन्ग, इट वॉज द कल्चर विच वॉज स्ट्रॉन्ग, इट वॉज द रिलीजन विच वॉज स्ट्रॉन्ग, बट नाउ हु इज इन द फोकस, इंडिविजुअल। पहले क्या था कि समाज ऐसा नहीं कर, हमारे गांव में भी देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल वेन यू आर लुकिंग एट खाप पंचायत, एक लड़का उस पर्टिकुलर लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सोसाइटी परमिट नहीं, क्योंकि सोसाइटी के कुछ अपने नॉर्म्स। तो हम वहां पे क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअल के ऊपर वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू द सोसाइटी, लेकिन जब हम उस चीज को खत्म कर देते हैं, जब हम सोसाइटी के ऊपर इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देने लगते हैं, दैट सोसाइटी बिकम्स अ लिबरल सोसाइटी, ठीक है। तो आप थ्रू आउट देखोगे लिबरलिज्म में द फोकस इज ऑन इंडिविजुअल। सो जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को हम कुछ तो देंगे ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज सोसाइटी हमेशा उसके ऊपर प्रेशर तो क्रिएट करेगा, बिकॉज सोसाइटी इज एवरीवेयर। तो दैट इज वाई हम देखेंगे कि इंडिविजुअल इज अवॉर्डेड विथ सर्टेन राइट्स, ये राइट्स तुम्हारे हैं, अगर उन राइट्स के अगेंस्ट सोसाइटी जाती है यू कैन कंप्लेन, अगर राइट्स के अगेंस्ट स्टेट जाता है देन ऑल्सो यू कैन कंप्लेन, राइट। जैसे कि मुझे घूमना फिरना है, सोसाइटी ने मुझे पकड़ करके रखा है, मैं कहता हूं मेरे पास राइट टू फ्रीडम, लड़का स्कूल जा रहा है लड़की को स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा, हम क्या लड़की क्या कहेगी, मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है, मुझे भी स्कूल जाना, नो मैटर व्हाट द सोसाइटी थिंक्स। शादी अगर लोगों को नहीं, सपोज करो कि खाप पंचायत है शादी नहीं करने दे रहा है, वो भाग करके पुलिस के पास चले जाते हैं, कहते हैं आई एम मैच्योर, आई एम फ्री टू टेक माई ओन डिसीजन एंड दिस इज माई डिसीजन दैट आई शुड मैरी दिस पर्सन, फिर क्या होता है, पुलिस अपने प्रोटेक्शन में उसकी शादी करवाती है ना। तो इसका मतलब हमने कुछ राइट्स दिए इंडिविजुअल को सो दैट कि उसके सारे कंसर्न्स एड्रेस हो जाएं, ठीक है।